जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड के अंदर नोटबुक पेपर इन एमएस वर्ल्ड में नोटबुक पेपर कैसे बनाते हैं, आज मैं इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट बनाकर दिखाऊंगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले जावेद वजीर टेक। और चलते स्क्रीन की तरफ, ठीक है? यहाँ पर हम पेज की सेटिंग करते हैं, लेआउट। यहाँ पर हम लेआउट पे, यहाँ पे पोट्रेट, ठीक है? यहाँ पे मार्च साइज, यहाँ पे नेरो कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे हम पेज की सेटिंग यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ, ठीक है, स्पेस देंगे यहाँ से, थोड़ा मामूली और भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर ये रूलर आपको नहीं मिल रहा, यहाँ व्यू पे क्लिक कर लें। व्यू में यहाँ पर ये रूलर हाइट अन हाइट यहाँ पर आपको आ जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद आप इंसर्ट पे क्लिक कर लेंगे, या पे टेबल, या पे इंटर इंटर, ठीक है? या पे टेबल, टेबल में हम ऐसे लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है? अब इसको यहाँ से हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, लेवल पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे हम 0.25, ठीक है, ये हमने किया। फिर उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से हम टैप प्रेस कर लेंगे, ठीक है? ऐसे हम टैप प्रेस कर लेंगे, ठीक है? यह हमारे पास ये आ गया। फिर उसके बाद हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, डिज़ाइन में यहाँ पर हम एक आउटलाइन लेंगे, कोई भी आउटलाइन आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है? मैंने ये आउटलाइन लिया। फिर यहाँ पर हम ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है? किस पे? ऑल बॉर्डर पे। ये आउटलाइन है, ये आउटलाइन नहीं ले सकते आप यहाँ से, ये आउटलाइन भी आप ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप ऑल बॉर्डर, नो बॉर्डर कर, यहाँ पे ऑल बॉर्डर, ठीक है? यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो कलर आपको अच्छा लगे। यहाँ से मैंने रेड कलर दिया, ठीक है? ठीक है, ये लग गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है? इंसर्ट में यहाँ पर हम लाइन पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे हम शिफ्ट के साथ, ठीक है, कीबोर्ड से हम शिफ्ट प्रेस कर लेंगे, ऐसा हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है? फिर हम लाइन को यहाँ से हम कलर दे सकते हैं, ये वाला कलर, ठीक है, या ब्लैक कलर, कोई भी आप कलर दे सकते। यहाँ पे कीबोर्ड से हम कंट्रोल डी कर लेंगे एक और कॉपी, ठीक है? यहाँ से हम एरो की से हम ऐसे कर सकते, ठीक है? यहाँ से हम इसको कलर और देते हैं, ठीक है? ये आ गया। फिर उसके बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पे हम इंसर्ट पे क्लिक कर लेंगे, इंसर्ट में यहाँ पे शेप, शेप में टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, यहाँ पर ऐसे हम ड्रा कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे आप लिखेंगे कि डेट, कीबोर्ड से शिफ्ट माइनस प्रेस कर लेंगे, ठीक है, इंटर। यहाँ पे हम लिखेंगे पेज, ठीक है, पेज लिखा, फिर स्पेस, फिर यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है? कंट्रोल ए कर लेंगे, सेलेक्ट, होम पे क्लिक कर लेंगे, होम में यहाँ पर हम रिमूव स्पेस ये कर लेंगे। फिर यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे हम नो फिल, यहाँ पे नो आउटलाइन, ठीक है? ठीक है, ये हमारा, ये हमारा नोटबुक पेपर रेडी हो गया, ठीक है? ऐसे हम नोटबुक पेपर बना सकते हैं एमएस वर्ल्ड में, ठीक है? इसको अगर हम प्रिंट करते हैं, फाइल पे जाते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? ये हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन, यहाँ से हम प्रिंट डायरेक्ट दे सकते हैं, ठीक है? एक अगर हम इसको सेव करते हैं, फाइल पे जाके यहाँ पे हम सेव एज, यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ से हम नाम लेंगे एन ओ टी नोट बी डब्ल्यू बुक, नोटबुक के नाम से। यहाँ पे हम
जिस पीसी, यहाँ पे हम डी फोल्डर, ठीक है, डी फोल्डर पे यहाँ पे हम सेव पे क्लिक कर लेंगे, हमारा ये सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो भी एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा और अनलाइन कोर्सेस, इनके बारे में मैं वीडियो इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा।